मैंने बहुत सुंदर रिंग पहन रखी है आई थिंक मुझे आज वेस्टर्न कपड़े पहनने थे सो आई वॉन्टेड समथिंग वेरी एजी टू वेयर विद माई आउटफिट सो शाहीन वेरी स्वीटली गेव मी दिस ब्यूटिफुल रिंग एंड मुझे रिंग्स पहनना बहुत अच्छा लगता है सो आई एम वेरी प्लीज एक्चुअली ज्वेलरी और मेरा नाता बहुत कठिन रहा है क्योंकि हमारे घर ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी तो हमारे सारे गहने चले गए सो आई एक्चुअली फील वेरी स्पेशल व्हेन आई वेयर रिंग्स बिकॉज ऑल ऑफ माई मदर्स ज्वेलरी वॉज स्टोलन सो आई डोंट हैव एनीथिंग रियली आई एम एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बट एज एन इंडियन As an Indian resident and a true blue Indian lover, I think that India is a very, very pluralistic society where people live in tandem very happily. However, in any democracy, in any society, when there are so many religions coexisting, so many cultures coexisting, there will always be some element of communal friction. So we have to take everything with a pinch of salt. ऐसे ऐसी कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है मैंने टॉलरेंस भी देखी है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी देखी है आई मीन हमारी जो हायरार्की होती है रिलीजन को भी ना लो तो अगर आप देखो कि कोई अपने नीचे वाले को कैसे के साथ कैसे बिहेव करेगा मैं सेट पे देखती हूँ कभी कभार कि कोई बड़े मतलब आदमी किसी छोटे आदमी को कैसे बात करते हैं तो यहाँ पर हायरार्की बहुत है इंडिया में एंड इगैलिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं वो थोड़ा मुझे लगता है कि कम है नहीं मैं किसी और की स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे लगता है जो मैंने देखा है मैं सिर्फ 5 साल से रह रही हूँ इंडिया में तो मेरा जो पर्स्पेक्टिव है मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत अलग है किसी और से एंड मैं ऐसी मतलब माइंड सेट के साथ आ रही हूँ कि मैं बाहर विदेश में बड़ी हुई हूँ सो इट्स नॉट फेयर ऑल्सो फॉर मी टू जज बिकॉज इंडिया हैज़ बीन अ वंडरफुल प्लेस फॉर मी सो आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू और आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि आप ऐसे सोचते या ऐसे नहीं सोचते बिकॉज इट्स अ डिस्कशन दैट वी नीड टू हैव एंड एज एक्टर्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी एबल टू हैव दिस डिस्कशन विदाउट बींग द सब्जेक्ट ऑफ विट्रियल और ट्रोलिंग ऑन द इंटरनेट People, it's freedom of speech is one of the founding principles of the Indian Constitution. And if an actor or any public figure or any individual doesn't have a right to freedom of speech without a backlash, then I think that's a very big problem. Anji? Ji, main abhi ek film kar rahi hu Shambhala, jo abhi Kullu Manali mein shoot ho raha hai. Main abhi 2 din ke liye wapas aayi hu Bombay ke liye. To bahut maza aa raha hai. Thand lag rahi hai wahan pe. Thank you. साड़ी पहनती हूँ तो सारी मेरी ज्वेलरी निकल आती है इस वक्त आज रात भी नहीं हुई है तो मैंने कहा मैं ड्रेस पहनूंगी ज्वेलरी मुझे आई लाइक एवरी काइंड ऑफ ज्वेलरी लाइक एवरी वुमन ज्वेलरी आई वांट टू से डायमंड्स आई वुड से ज्वेलरी इज अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड यस इनफैक्ट मेरे बेटे के पैदा होने के समय मेरी मॉम ने मुझे झुमके दिए थे जड़ाऊ झुमके दिए थे और आई नेवर फॉरगेट दोज बिकॉज दोज आर झुमका शी गॉट फॉर हर वेडिंग एंड दे आर रियली स्पेशल आई ऑलवेज लाइक देम एंड शी वॉर देम एंड मेरे बेटे के जन्म के उस हफ्ते में उन्होंने मुझे सो यू प्रेफर गोल्ड और डायमंड्स व्हेन आई वेयर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी इट्स अनकट डायमंड्स एंड पोर्की एंड गोल्ड व्हेन आई एम ड्रेस्ड इन वेस्टर्न क्लोथ्स इट्स मिनिमल एंड इट्स डायमंड Mandira, that's one thing that I want to ask you, a little away from the jewelry and fashion, but I just want to get a little bit of your reaction. You're a very, you're,
sorry. You're an extremely, you know, well-aware citizen. And there's this one controversy that's been brewing about intolerance and Aamir Khan joined the debate today in the country at one point. I read about that. I heard about that. I can't comment on it. I just say that I think our country is our country. It comes with whatever it comes with, and I can't comment on what they had to say. I can say it is sad that times are like these, and it's not just our country. I mean, look at what's happened in Paris just now. Our country comes with whatever it comes with, and I'm here to stay, and I don't see myself, I mean, in response to just what has happened, I don't see myself leaving the country because of that. But do you think there's a certain pain of intolerance? You know, when people say pray for this place, I pray that there'd be tolerance. I pray that people can coexist happily. That's what I pray for. I it's sad that incidents like this keep popping up, but not just in India, but all over the world. And I pray for happy coexistence. Right. मेरा हर पीस मेमोरेबल है क्योंकि मैं इतना सोच समझ के देख भाल के खरीदती हूँ कि मेरे हर ज्वेलरी के पीस आर वेरी स्पेशल टू मी। अभी मैं शायद आइदर डिपेंड्स ओकेजन पे Shaheen has always been a designer that very delicately and intricately does her work. This is not the first time that I'll be looking at her collection. I think I'd bought some lovely pieces from her when she first started her flower collection, which was excellent. I still have those pieces, which are very, very lovely. In fact, even when I wear them now, I have got loads of compliments coming. So I guess today when she's here at Gehna, I think I'm going to pick up something really nice. Just here. Okay, bye-bye, thank you. शाहीन के साथ जो डिज़ाइन करती है इनकी ज्वेलरी वो बहुत अच्छी दोस्त हैं और मतलब काफ़ी वक्त से जानते हैं हम रोशन शाहीन और उसकी जो चाहत और उसकी जो क्या कहते हैं डेडिकेशन है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की तरफ वो काफ़ी अच्छी है एंड आई लाइक हर स्टफ मरिया पहनती है उसकी ज्वेलरी सो आई थिंक बहुत ही आई थिंक वर्क हार्ड ऑन इट बाहर जाके ट्रेनिंग लेके आई है काफ़ी कुछ सीखी है उसने सो या आई थिंक वर्क इज़ वेरी गुड नहीं ऐसी जब दोस्त ऐसे होते हैं ना तो अच्छा होता है फ़ोन कर तो आ जाता है घर पे मरिया का एक्चुअली ज्वेलरी का ज़्यादा शौक है नहीं बहुत कम यार मरिया से पूछो रेडी I'm very good. They want to know how much jewelry you have. By the way. Oh, actually Arshad has more jewelry than me. And he has more diamonds than me because I wear very little jewelry. Have
But I love Shaheen's jewelry because it's very delicate, it's very intricate, and it just makes me feel like a princess. So I wear Shaheen's jewelry. क्या 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 गंभीर अरे कहाँ चला गया तू यार ज्वेलरी लेने आया तू कसम से बाइक आया हिंदुस्तानी होने के नाते आप कितना मतलब प्राउड फील करते हो और कितना सेफ महसूस करते हैं खासकर हिंदुस्तान में आपने अरे तुम लोग ना कहाँ कहाँ पहुँच जाते सी आई थिंक यार हम लोग बहुत दफ़ा मैं सोचता हूँ कि सारे देशों के बारे में सोचता हूँ आई ऑनेस्टली बिलीव दैट तकरीबन 100 के करीब रिलीजन है हमारे देश में और हम लोग उसके बावजूद बड़े फ्रीली घूमते हैं और सब साथ में रहते हैं सो आई थिंक वी आर फार मोर सेफर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक द अमाउंट ऑफ क्राइम जो अमेरिका में होता है इंग्लैंड में होता है और बाकी जगहों पर होता है हमारी हालत उससे काफ़ी अच्छी है देखो यार देखो देखो क्या है ना हर इंसान का अपना नज़रिया होता है आई थिंक आमिर बहुत ही समझदार है और मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी बात कही है जो कि लोगों को इतना ऑफेंसिव लगना चाहिए ना शाहरुख ने करी थी ना आमिर ने की है अगर आप गौर से अगर वो इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें कोई गलत बात नहीं कही एक नज़रिया है एक पॉइंट ऑफ व्यू है बींग अ गुड इंडियन एंड आई थिंक दैट इज़ फाइन आई थिंक अगर मैं कहूँ कि जो थोड़ी बहुत करप्शन और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं क्राइम जो हमारे देश में अगर वो कम हो जाए तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली ही वांट्स अ कंट्री विच इज़ गुड कैन इट बी बेटर सो आई थिंक उसने कोई गलत बात नहीं किया कि वन शुड नॉट मेक अ इश्यू आउट ऑफ इट वो राजू लिख रहा है कहानी मेरे ख्याल से 2006 सर क्या कह रहा हूँ 16 हम लोग शूट करेंगे तो wearing this lovely outfit by Varuna Gupta. It is available at Vyom. I have a very pretty clutch that is by Duet. I am wearing silverine earrings and a lovely bangle. Do you love diamonds or gold? I am a big time gold person. I love gold. मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि यहाँ मैं आई हूँ शाहीन को काफ़ी सारा इंकरेजमेंट देने के लिए और शाहीन की ज्वेलरी को अप्रिशिएट करने में तो ज़रूर मैं वो पहले देख लेती हूँ और उसको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ मुझे किसी के रिएक्शन पे रिएक्ट नहीं होना है मेरे अपने ज़रूर कुछ वजूद है और वो मैंने हमेशा लिखे हैं आई हैव बीन अ राइटर सो आई हैव ऑलवेज कॉन्फिडेंटली टॉक्ड अबाउट इट थैंक यू आप हैं इसलिए हमारा करियर है तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है थैंक यू जी ज्वेलरी वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो मिनी को गहनों का बहुत शौक नहीं है हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त शाहीन अब्बास उनकी ज्वेलरी डिस्प्ले हो रही है तो शाहीन को सपोर्ट करने आए हैं और देखने आए हैं उनके क्या डिज़ाइन है जी अगर मिनी को कुछ पसंद आएगा तो कर देंगे क्या चल रहा है ये मैं बहुत बारी आगे भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे भी लगता है कि एक थोड़ा सा एक इंटॉलरेंस का लेवल जो है वो बढ़ रहा है और जब भी ये कुछ बोलता है जिस किस्म से उनको अटैक किया जाता है वो ही दिखाता है किस किस्म का इंटॉलरेंस है कल जो आमिर ने कहा जिस किस्म का उन पर अटैक हो रहा है कि उनका वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं इंटॉलरेंट तो उसका मतलब इंडिया छोड़ के कहीं और बाहर चले जाओ आई थिंक ये बकवास है
वो सिर्फ एक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पिछले 7-8 महीने में जो बहुत लोग महसूस कर रहे हैं एक थोड़ा सा इंटॉलरेंस हो रहा है, और अगर कोई ये कहना चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, वो सिर्फ एक कहने का तरीका होता है। देखिए इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा है, यही आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जब आमिर कहते हैं कि उन्हें इंटॉलरेंस लग रहा है वो इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आजकल का माहौल इंटॉलरेंट है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा मुल्क इंटॉलरेंट है, मुल्क इंटॉलरेंट उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला किरण ने इस किस्म की बात कही उसका मतलब देखिए कि मूड का क्या मतलब है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इतना बुरा हमें लग रहा है आजकल की माहौल इतना बुरा है कि किरण इस किस्म के सवाल भी कर रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किरण बोल रही चलो उठ के चले जाएं। वो कह रहे हैं कि इस किस्म के सवाल भी आदमी के दिमाग में उठते हैं और हमारे दिमाग में भी उठते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, यही तो है हमारा मुल्क। तो इस किस्म के सवाल का मतलब इंटॉलरेंस है, अगर इस किस्म का अटैक उन पर किया जा रहा है क्यों छोड़ेंगे वो तो हिंदुस्तान की शान है, वो कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान को छोड़ के। अगर हिंदुस्तान का नाम लोग बाहर जानते हैं तो वो आमिर खान की वजह से बहुत एक उनका कंट्रीब्यूशन है। अब अनुपम खेर जी का क्या एजेंडा है मुझे नहीं मालूम, वो क्या किस लिए वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आगे रख रहा हूँ, एंड आई टोटली सपोर्ट जो आमिर कह रहे हैं, टोटली सपोर्ट जो शाहरुख ने कहा था। देखिए मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरे को तो मजाक लगता है कि मतलब 8 सेकंड का किस देख लेंगे तो हम ठीक हैं और 30 सेकंड का देखेंगे तो हमारा जो मुल्क है वो बिखर जाएगा। ये अजीब बात है, मतलब एक किस है, एक एडल्ट फिल्म है, आपको सर्टिफिकेशन देंगे, हम टिकट खरीदते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ किस चल रहा है तो सारे बच्चों को जबरदस्ती उसमें डाल रहे हो, बोल रहे हो आप किस देखो, टिकट खरीद के जाना पड़ता है 300-400 रुपए का, जिसको देखना देखे जिसको नहीं देखना नहीं देखे। लेकिन इस किस्म की चीज़ें कि यार 40 सेकंड का किस बहुत लंबा होता है, इसको हम 8 सेकंड कर लेते हैं, ये तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर के लिए भी एक डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि हर फिल्म का एक रिदम होता है, एक एडिट पैटर्न होता है, उसमें आप बोलेंगे ये काट दो वो काट दो ये काट दो, क्योंकि हमारी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। हमारी सभ्यता हमारा मुल्क इतना डेलिकेट है कि एक किससे हम बर्बाद हो जाएंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा यार मैं भी सोच रहा हूँ कुछ जी, ऋतिक से बात चल रही है और भी एक्टर्स से साथ चल रही है, ऋतिक के साथ साजिद और मेरी काफ़ी एक एडवांस बात चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली फिल्म तभी होती है जब कोई ऐसी स्क्रिप्ट आए जिससे ऋतिक भी खुश हो मैं भी खुश हो, जब वो आएगी कहानी तो हम 100% काम करेंगे। थैंक यू।